दोस्तों, ये पैशन एक्स प्रो बाइक है और इसका हमने जो पार्ट्स खोल रखा है, बाहरी पार्ट्स, ये इंजन खोलने के लिए। और ये इंजन धुआं मार रहा है, काफ़ी ज़्यादा धुआं मार रहा है दोस्तों। दोस्तों, इसके लिए हम पहले हेड सिलेंडर खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका क्या पता कनेक्टिंग भी ख़राब हो। हालांकि अभी कनेक्टिंग का आवाज़ नहीं है, क्रैंक का साउंड नहीं है इसमें, थोड़ी बहुत बस टाइमिंग चेंज का साउंड है और धुआं बहुत ही ज़्यादा दे रहा है। तो इसके लिए हम हेड सिलेंडर खोल के फिर आपको दिखाएँगे क्रैंक इसका सही है या ख़राब है। तो दोस्तों, हमने हेड सिलेंडर खोल दिया है और हम जब कनेक्टिंग को चेक कर रहे हैं तो ये साइड प्ले है और कनेक्टिंग जब आवाज़ होता है तो वो ऊपर नीचे जब प्ले होता है तभी आवाज़ होती है कनेक्टिंग, लेकिन ये कनेक्टिंग में आवाज़ नहीं है, पहले ही मैंने बताया था। और ये साइड प्ले है, लेकिन साइड प्ले है जो ये ज़्यादा साइड प्ले है। तो इसके लिए हमें दोस्तों कनेक्टिंग का खोलना होगा, कनेक्टिंग का असेंबल भी लगाना होगा। मैं आपको दिखा दूँगा खोलने के बाद इसका कनेक्टिंग कैसा है नहीं है, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कनेक्टिंग को कैसे चेक करते हैं खोलने के बाद भी। आपको देख सकते हैं कितना प्ले है इसके अंदर। अगर ये काम नहीं करते हैं तो फिर इंजन सक्सेस नहीं होता है दोस्तों। बात है, देखिए, यानी गाड़ी या कोई भी बाइक हो, जब भी धुआं मारती है वो स्मोक देती है, तो कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है कि इंजन का ऑयल सॉलिड ख़त्म हो जाता है और उस कस्टमर को मालूम नहीं चलता कि इंजन में ऑयल है कि नहीं है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि यार इंजन से धुआं मारना बंद हो गया, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि धुआं उसी टाइम मारता है जब इंजन में ऑयल होता है, और वो धुआं इस वजह से मारता है जो रिंग पिस्टन ख़राब होने की वजह से। ये सब जानकारी कस्टमर को नहीं होता है। तो मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा दोस्तों कि कभी ना कभी ऐसा होता है कि इंजन का पूरा ऑयल ख़त्म हो जाता है, तो उस टाइम आप समझ सकते हैं कि जब ऑयल ख़त्म हो गया तो ऑयल बिना ऑयल में जब चलाते हैं तो उस टाइम में क्रैंक का साउंड, मतलब क्रैंक में जो छर्रा होते हैं, तो यकीनन मानिए कि उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कंप्लेन आएगी। तो इस सिलसिले में दोस्तों मैं इसका पूरा इंजन खोल रहा हूँ कि हो सकता है कनेक्टिंग में कोई दाग हो कोई किसी तरह। तो लास्ट में आप देखेंगे मैंने कनेक्टिंग को जो मैंने लेट खुलवाया उसमें भी मैंने जो कंप्लेन निकला उसमें उस कनेक्टिंग में वो भी मैंने लास्ट में दिखाया है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बिल्कुल बहुत ही लाजवाब वीडियो है ये हमारा, और देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये सब छोटी छोटी जानकारियाँ आदमी नहीं ध्यान देते, वो ये सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा कनेक्टिंग जो है वो हज नहीं है ना आवाज़ है, तो हम सिर्फ हेड सिलेंडर का काम कर देंगे। लेकिन पता है कि छोटा मोटा काम करके हम कस्टमर को दे देंगे, हल्का फुल्का काम करके दे देंगे, बाद में बड़ा करेंट का फिर कंप्लेन आ जाएगी, तो उसमें क्या होता है, शिकायत आ जाती है। तो इसलिए देखें इस वीडियो को, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल पसंद करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आगे देखते रहिए। दोस्तों, हमने पूरा इंजन कंप्लीट खोल दिया है हीरो पैशन एक्स प्रो का। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इसके अंदर हमें क्या क्या पार्ट्स डालना होगा, किस पार्ट्स में फॉल्ट है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये क्लच प्लेट है, अभी ये हाल ही फ़िलहाल में डली है। तो इनमें से मैं देख पा रहा हूँ ये तीन क्लच प्लेट सही है और एक क्लच प्लेट ख़राब है। अब दोस्तों, एक प्लेट ख़राब होने की क्या वजह है आप शायद जानते हैं या नहीं भी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो एक प्लेट ख़राब होने की वजह होती है इसका सेंटर हब ख़त्म हो जाना। ये सेंटर में जो दाग है दोस्तों, इस दाग की वजह से ये एक प्लेट ख़राब हो गया है। और ये इसका क्लच सेंटर है, क्लच सेंटर में पूरा कंप्लेन है, क्लच सेंटर हमें चेंज करना होगा। और आपको क्लच हब भी दिखा देते हैं, ये भी क्लच, ये भी देखिए
बिल्कुल साफ तौर पर दोस्तों देख सकते हैं क्लच हब भी इसका यानी ख़त्म है, दोनों इसका चेंज करना होगा। और क्लच प्लेट अभी 2 महीने डालने से हुआ है, 2-3 महीने, आप चाहे तो एक प्लेट बदल के ये तीनों प्लेट लगा सकते हैं, इसमें कोई ज़रा से भी फॉल्ट नहीं है और आप चाहे तो बिल्कुल बदल सकते हैं। दोस्तों पिकअप में जो समस्या आ रही है वो क्लच प्लेट की वजह से नहीं, वो प्रेशर या ये क्लच सेंटर और हब की वजह से पिकअप में प्रॉब्लम आती है। और इसका क्लच प्लेट बिल्कुल न्यू है और ओरिजिनल डाला हुआ है ये, बाकी देखेंगे जैसा होगा वैसा काम करेंगे, चेंज भी करने में फ़ायदा होता है, चेंज करने से ज़्यादा बेहतर होता है पूरा कंप्लीट। अब देखिए ये टाइमिंग चेन है, हमने टाइमिंग चेन पहले शुरू में ही देखा था, इसका फिनिशिंग ठीक नहीं था, हमें ये टाइमिंग चेन बदलना होगा। और इसका रोलर भी कटा हुआ है, ये देखिए ये रोलर कटा हुआ है दोस्तों, जिसे आप गाइड भी बोल सकते हैं, टेंशनर बोल सकते हैं। अब मैं आपको सिलेंडर दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये सिलेंडर का आपको जो रिंग मैंने डाल रखा है, रिंग देखिए कितना गैपिंग है, बहुत ज़्यादा है। तो हम इस सिलेंडर को बोर करवाएंगे, हमें नया पिस्टन ओवर साइज का 25 नंबर का पिस्टन लेके हमें इसे बोर कराना है, इसका फिटिंग करवाना है लैथ पे, फिर इसी को हमें सेटिंग करना है। तो आप समझ रहे हैं ये पिस्टन हुआ, हमें इस पिस्टन को हमें बदलना है, इससे बड़ा पिस्टन लेके हमें बोर कराना है। अगर मिस्त्री भाई है तो आप ज़रूर समझ सकते हैं, अगर कस्टमर भाई है तो उन्हें मैं बता देता हूँ कि यही सब काम होता है इंजन के अंदर, ये पिस्टन बदलना होता है और इसमें बोर कराना होता है। तो इसे बोर करते हैं, इसका साइज का फिटिंग किया जाता है। अब मैं आपको हेड दिखाता हूँ, ठीक है ये हेड देख सकते हैं, हमने इसका गाइड चेक किया, गाइड बिल्कुल ठीक है, गाइड चेक करने का तरीका मैंने बता रखा है दोस्तों, फिर भी इसमें भी मैं आपको बता दूं, ये जब बल्ब को हम खींचेंगे तो यहाँ पे हमें उंगली रखना है इस तरफ, और ऊपर से हमें इसको ऐसे खींचना है, और ये आवाज़ आ जाए तो समझिए कि बल्ब ठीक है, कंप्रेसर सही बन रहा है, और ये हज भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बल्ब ठीक नहीं है, यानी कि इसका गाइड को कैसे चेक करें, इसका गाइड चेक करने का यही तरीका है कि इसके अंदर डालें। तो हम पीछे उंगली रख के हम इसको खींचेंगे, ये जैसे हम खींच रहे हैं दोस्तों, ये उधर से खींच रहा है, ये कंप्रेसर यानी बन रहा है, और गाइड इसका ठीक है, और इसे जब हम खींचेंगे तो ये आवाज़ करेगा। तो मैंने दोनों चेक कर लिया, दोनों का गाइड सही है, लेकिन इसका दोस्तों बल्ब ख़राब है, बल्ब इसका चेंज करना होगा। ये सेंसर वाला जो बल्ब है, ये बल्ब जला हुआ है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ बढ़िया से, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर देख रहे हैं दोस्तों, ये बल्ब जल गया है और इसे हमें चेंज करना होगा, इस दोनों बल्ब को साथ में चेंज करना होगा, ये सब ज़रूरी होता है दोस्तों कंप्रेसर के मामले में, इसे चेंज करना ज़रूरी होता है। अब मैं आपको लास्ट में करंट दिखाता हूँ, देखिए करंट जो चेक होता है इसको ऐसे ऊपर से ठोका जाता है, अगर ये आवाज़ करे तो समझिए करंट आवाज़ कर रहा है, लेकिन दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि करंट में साउंड नहीं है, आवाज़ नहीं है, लेकिन इसे जो इस करंट को जो हमने खोला, इसको साइड, ये साइड प्ले ज़्यादा है, ये साइड प्ले ज़्यादा रहने से भी सिलेंडर आप जो बोर कराएंगे या सिलेंडर नया देंगे तो वो सक्सेस नहीं होता है जल्दी धुआं मारने का चांस रहता है, इसलिए हमें ये भी काम कराना होता है। आप समझ सकते हैं ये जब चाल बनती है, ये हज होते हैं तो ये क्यों होती है, जब तक कि इसका पार्ट से नहीं खाया, वेयरिंग चल रहा अंदर से कुछ खाया पिया नहीं, तो कैसे ये मतलब ऐसे हज हो जाएगा, यूँ ही चलते चलते थोड़ी होता है, ये लोहा है भैया, चलते चलते कटता है, क्योंकि जब धुआं मारता है ना तो उस टाइम में कभी कभी ऐसा होता है कि बिना इंजन ऑयल का भी कस्टमर चला देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है, तो उनके ज़रिए से ये सब हज होता है, तो इसे भी खोलना ज़रूरी होता है इस मामले में।
देखेंगे इसका जो हो सके तो पूरा कंप्लीट चेंज करेंगे या फिर हम इसको रिपेयर कराएंगे। तो देख सकते हैं ये, और इसका ये जीपीडी है, हम इसे भी चेंज करेंगे। इसका भी आवाज़ था, इसका आवाज़ हनहन सा होता है, इसे चेंज करने से बहुत ही ज़्यादा साउंड में फ़र्क पड़ती है। ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, इसका फुल इंजन कैसे फिटिंग करते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी इम्प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।